दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर गतिरोध के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, समय तय किए जाने पर चर्चा के लिए तैयार सरकार। दिल्ली में शांति और सामान्य स्थिति बनाना पहली प्राथमिकता। सदन में अमर्यादित व्यवहार को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सख्त चेतावनी। कहा, सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष या विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष की ओर जाने पर सदस्य को पूरे सत्र के लिए कर दिया जाएगा निलंबित। सदन में प्ले कार्ड लाने पर भी लगाई पाबंदी। शांति, एकता और सद्भाव देश के विकास के लिए जरूरी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों से कहा, समाज में शांति, एकता और सद्भावना सुनिश्चित करने के लिए निभाएं अग्रणी भूमिका। राष्ट्रहित को बताया सर्वोपरि। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित दोनों मरीजों की हालत स्थिर। उच्च स्तरीय केंद्रीय मंत्री समूह ने की ताजा हालात की समीक्षा। कहा, किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार सरकार। अब तक कोरोना की चपेट में 66 से ज्यादा देश। ईरान में कोई भी भारतीय कोरोना से संक्रमित नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान, एक दिन के लिए महिलाओं को समर्पित करेंगे सोशल मीडिया अकाउंट। 8 मार्च रविवार को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।